ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जब देश में लॉकडाउन हुआ तब हमने एक चीज़ ये देखी कि जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन की बेहद कमी थी। केंद्र सरकार एक ऑर्डर जारी करती थी कि ट्रक चलेंगे और राज्य सरकारें पकड़ पकड़ के ड्राइवरों को पीट रही थी और कह रही थी कि ट्रक नहीं चलने देंगे। तो आपस में जो कोऑर्डिनेशन थी उसकी बेहद कमी थी, लेकिन ये काम अभी भी सुधरा नहीं, अभी भी वैसे चल रहा है। केंद्र सरकार ने 9 जून 2020 को एक ऑर्डर जारी किया था कि तमाम जो ज़रूरी कागजात होते हैं गाड़ी के या गाड़ी चालक के, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, टैक्सेशन, तमाम जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो एक्सपायर हो गए हैं 1 फरवरी 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में कभी भी, उनकी जो वैलिडिटी है वो 30 सितंबर 2020 तक मान ली जाएगी। तो ये बड़े साफ और क्लियर ऑर्डर थे देश में, हर किसी को जिसके पास भी गाड़ी है उसको ये क्लैरिटी है। और इसके बाद 24 अगस्त को एक और आदेश आया जिसके अंतर्गत ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2020 हो गई है। हालांकि जिस समय की ये खबर हम आपको दे रहे हैं उस समय तक 24 अगस्त वाली नोटिफिकेशन नहीं आई थी और जो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी थी वो 30 सितंबर तक ही थी, उस हिसाब से भी ये चालान नहीं होना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके कई ऐसी राज्य सरकारें हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने काम किया, उनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने काम किया और राजस्थान सरकार की आज हम बात करेंगे। राजस्थान सरकार के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अधिकारी हैं वो भी इन गाड़ियों के उन्होंने चालान कर दिए कि आपके पास परमिट नहीं है, आपके पास टैक्स नहीं है, ये कहकर उनके चालान कर दिए जाते हैं। और जो केंद्र सरकार के आदेश हैं उसकी शरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, चाहे फिर वो RTO हो, इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो। लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे स्टोरी के अंदर, वो हम इसके ऊपर चले गए RTO के ऊपर, एडिशनल स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक, उनके भी क्या बेमिसाल जवाब हैं वो भी आपको सुनाएंगे। पहले आपको बेसिक कहानी बता दें कि है क्या। पंजाब की ये गाड़ी है, इसके जो गाड़ी मालिक हैं इमरान खान हैं, बठिंडा पंजाब के रहने वाले हैं, ड्राइवर हैं सोनू सिंह, 4018 ये गाड़ी है। पंजाब के बठिंडा से ये लोड लेकर गाड़ी चली सूरतगढ़ राजस्थान के लिए। एग्जैक्ट लोकेशन मैं बताऊं तो उड़सर नाम की एक जगह है, वहां पर श्री सीमेंट का प्लांट है, वहां पर इस गाड़ी को पहुंचना था। लेकिन उससे पहले ही 18 अगस्त को इसको रोक लिया गया। हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ रोड है वहां, उसके बीच में एक टोल प्लाजा आता है, वहां पर इस गाड़ी को रोक लिया गया MVI के द्वारा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जिसे हम बोलते हैं। उन्होंने पहले तो ऑनलाइन गाड़ी के कागजात चेक कर लिए और ये बताया कि जो परमिट है गाड़ी का वो एक्सपायर हो गया है। कब एक्सपायर हो गया है? 27 मार्च 2020 को। तो जो मैंने आपको बताया था जो एडवाइजरी है केंद्र सरकार की, बिल्कुल उसी समय के बीच में इस गाड़ी का जो नेशनल परमिट है वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके जो MBI साहब हैं वो गाड़ी का ना सिर्फ चालान करते हैं बल्कि गाड़ी को सीज कर लेते हैं, गाड़ी को पकड़ भी लेते हैं, बकायदा चालान इशू होता है और सीजर मीमो भी इन्हें इशू कर दिया जाता है। और ये जो MBI साहब हैं ये DTO ऑफिस हनुमानगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। तो ना सिर्फ गाड़ी को पकड़ लिया गया बल्कि जो चालान अमाउंट थी वो भी बना दी गई 41,010 रुपये। उनका कहना था कि एक महीने का जो टैक्स है वो 8,000 रुपये है राजस्थान का, इस गाड़ी का जो टैक्स नहीं भरा गया है क्योंकि इसके पास परमिट एक्सपायर था, इसलिए ये 41,010 रुपये बन गए। देखा जाए तो जो नेशनल परमिट वाली गाड़ियां होती हैं उनको हर जो स्टेट है उसका टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होती है, इसी वजह से वो नेशनल परमिट लेता है। अब नेशनल परमिट 27 मार्च को ख़त्म हो गया लेकिन उसकी वैलिडिटी तो 30 सितंबर तक थी, ये बात MBI साहब को पता होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके गाड़ी का चालान हुआ और गाड़ी को पकड़ भी लिया गया। गलती क्या की गाड़ी मालिक ने कि इस चालान को कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया बल्कि 41,000 रुपये वहाँ पर भर दिया। खाली गड्डी का चालान करता जी अपने हनुमानगढ़ वाले RTO ने, तो लॉकडाउन से ये कागज़ ऑल इंडिया परमिट यदा टुटा सी जी, आह वेखो जी 27 मार्च 2020 जी, अगर 30 सितंबर तक गड्डी के कागज़ वैलिड आई सरकार कहने वैलिड सी जी, आह वेखो जी खाली गड्डी का इन्होंने चलान करता जी, गड्डी बिल्कुल खाली है जी, आह वेखो जी हुण इन्होंने बहुत धक्का किया जी, आह वेखो 41,000 की रसीद कट के फड़ाती जी, आह वेखो जी।
और ये सब भरने के बाद इस गाड़ी मालिक ने ये पूरी जो कहानी थी वो ट्रांसपोर्ट टीवी को बताई, और उसके बाद हमारी टीम ने ये सोचा कि आरटीओ वगैरह से भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा तो हम किसी सीनियर व्यक्ति से बात करें। तो हमारी बात हुई एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टैक्स एंड रूल्स से, उनका नाम स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। उनसे जब हमारी टीम ने बात की तो लंबी चौड़ी बात हुई, ज़्यादातर जो उनकी बातचीत थी वो एक तरीके से टरकाने वाली थी, कोई सीधा सीधा जवाब वो देने से बच रहे थे। आप उस बातचीत के जो ज़रूरी अंश हैं वो हम आपको सुना रहे हैं, आप सुनिए। मुझे ये बताइए कि स्टेट ऑफ राजस्थान में वो एडवाइजरी को लागू माना गया था, उसको उसको किसी लेवल पे इम्प्लीमेंट कर किया गया था या नहीं किया गया? स्टेट ऑफ राजस्थान में उस एडवाइस को माना गया था कि नहीं माना गया था? इवन सर्कमस्टेंसेस में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें, बस आप लोग मानते हैं कि नहीं माना आपने? आपने यदि चालान मेड आउट कर दिया, यदि किसी ने लिख दिया तो उसका फिर जो स्टेटस, या तो कोर्ट में जाए या फिर कंपाउंड कराए, उसको कैंसिल करने का कोई वो नहीं। सर मेरे को स्टेटस नहीं समझ आ रहा स्टेट ऑफ राजस्थान का, आप लोग क्लियर ही नहीं कर रहे। मेरी क्वेरी का आंसर कर दीजिए। हाँ बताइए। कि आप आपकी स्टेट ने एडवाइजरी को मानना फॉलो करने माना? के लिए फॉलो करने के लिए यहाँ से हमने लेटर लिखाया थे, लेटर भेज दिए। दैट मीन्स कि आपने ये डायरेक्ट किया हुआ है कि आप इनको डीम्ड टू बी वैलिडेट माने और इन लोगों के चालान मत करें। तो आपके स्टेट में चालान क्यों हो रहा है फिर परमिट के? क्या क्यों, कौन सा चालान हो रहा है सर? मेरे पास देर रात में नहीं, जहाँ पे वो बोल रहे हैं बंदे तो के पास, पास आ रहे हैं। मेरे पास तो मैडम कोई नहीं आया। देखो मैं बता देती हूँ, मैं आप तक भेज देती हूँ सर, मैं आप तक भेज देती हूँ। मेरे पास भेजने की जरूरत है तो भेज दीजिए। मेरे से सुनिए तो सही प्लीज सर, आप मेरे से तो सुनिए। जिसने फोन किया है, यू आर द फर्स्ट पर्सन। जी सर, क्योंकि मेरे पास तो मैटर आते हैं बीइंग इन मीडिया। तो आप क्या पता नहीं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस लोग नहीं सोचते कि अप्रोप्रिएट जगह पहुंच नहीं है ना? हम लोग सुन लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सुनते नहीं है। टेलीविजन का जो है ना मीडिया जो है वो अप्रोप्रिएट जगह है या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस? मेरे को लगता है सर कि काश ऐसा होता कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अप्रोचेबल होता, हम लोग अप्रोचेबल है सर। आप तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। आई पिक्ड अप योर फोन, हमारे पास ऐसा एक भी केस नहीं आया अभी तक। मैं चलिए सर, मैं आपको केस बता दूं, आना चाहिए था। मैं बता दूं सर, मैं बता दूं सर, आप क्यों बताएं? तो घुमा फिरा कर ही सही, सीधे सीधे जो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उन्होंने ये बात को माना कि हाँ एक एडवाइजरी जारी हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा और उसको हम मानते भी हैं, उसको हमने राजस्थान में लागू भी किया है और ये भी मान लिया कि इस तरह का जो चलान है वो नहीं होना चाहिए था। सीधा सीधा तो नहीं माना लेकिन काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई तो उसके बाद उन्होंने ये दो बातें मान ली। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा चलान नहीं होना चाहिए था, तो ये चलान गलत हुआ है। और ये चलान जहां हमने उनको बताया अभी कि सर लगातार हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, आपका रोकने का फर्ज बनता है, तो कोई सीधा और सेटिस्फेक्शन वाला जवाब उन्होंने नहीं दिया, बल्कि अजीब से उनके क्वेश्चन थे एक दो। पहला सवाल तो उनका ये था कि ये जो गाड़ी मालिक हैं, ड्राइवर हैं, ये सीधा सीधा मेरे पास क्यों नहीं आते हैं, ट्रांसपोर्ट टीवी के पास क्यों चले जाते हैं? तो सर ये बात तो आप बताएंगे, हम कैसे बताएंगे? अगर तमाम ऑफिसर लोग ड्राइवरों की, गाड़ी मालिकों की सीधे सीधे बात सुने तो ट्रांसपोर्ट टीवी की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग अप्रोचेबल ही नहीं हैं। इवन ट्रांसपोर्ट टीवी को टीम को पूरा पूरा दिन लग जाता है आप लोगों से बात करने में, कई बार तो कई कई दिन लग जाते हैं, बात नहीं होती है। और हमसे आप बात कर लेते हैं क्योंकि हम मीडिया से हैं, और जो नॉर्मल गाड़ी मालिक या गाड़ी चालक है उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है और वो आपको अप्रोच कर ही नहीं पाता है, और अगर कर भी पाता है तो आपने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की बातों का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, गाड़ी मालिक का क्या जवाब देंगे आप? करप्शन के मामले में भी उनका जो जवाब था ATC साहब का बहुत अजीब था। उनका कहना था कि जो डिपार्टमेंट काम करेगा उसके खिलाफ शिकायतें भी आएंगी, थोड़ी बहुत ही करप्शन भी होगी। उनका कहना था कि 23 करोड़ रुपया का जुर्माना उन्होंने वसूला है हाल ही में, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है, किसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इतना जुर्माना नहीं वसूला है, इसको वो अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं। आपको आपकी स्टेट की रेपुटेशन अगर पता हो तो आई थिंक आज की डेट में मोस्ट करप्टेड स्टेट आई नो दैट। तो आपको लगता है कि इतनी हिम्मत है वहाँ के लोगों की? जो काम करता है ना उसको करप्ट कहा जाता है, जहाँ काम नहीं होता वहाँ करप्शन का मतलब नहीं है ना। 23 करोड़ रुपया पेनल्टी फाइन हुआ और लोड के कारण ये फलाना जितने ऑफेंसेस हैं उनके कारण, ठीक है।
आप पूरे स्टेट जो बचे हुए स्टेट है उसमें 23 करोड़ क्या 12 करोड़ सबका मिला के भी हो गया, तो आप ये बता देना। एक महामारी फैली हुई है तब जाके आपने उस दौरान इतने बड़े बड़े चलान करके 23 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और रिश्वत का पैसा अलग से है और इस बात को आप अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं। ये यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स की पूरे देश के अंदर, के टारगेट दे दिए जाते हैं आरटीओ डीटीओ को इतना पैसा इकट्ठा करना है। टारगेट उनको ये देने चाहिए कि जीरो करप्शन के साथ ये सुनिश्चित करें कि मोटर व्हीकल एक्ट की पालना हो, कोई किसी की मौत ना हो, कोई रॉबरी ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि 2 करोड़ इकट्ठा करना है, 10 करोड़ इकट्ठा करना है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है। लेकिन यही हकीकत बन गई है पूरे देश के अंदर, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना काम बन गया है, चाहे वो चलान के जरिए आए चाहे फिर वो रिश्वत के जरिए आए। और इस बात का एटीसी साहब ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि जब आप खुद कह रहे हैं कि हाँ एडवाइजरी जारी हुई है, हाँ ये डॉक्यूमेंट्स की जो वैलिडिटी है वो 30 सितंबर तक है, फिर गलत चलान क्यों हो रहे हैं, इसका कोई सीधा जवाब एटीसी साहब ने नहीं दिया है। शायद उनके पास नहीं है या फिर उनका टारगेट ही चलान करना है और पैसे ज्यादा से ज्यादा वसूलना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि केंद्र सरकार ने क्या नियम जारी किए हैं, क्या रूल्स हैं, उनकी खुद की सरकार ने कौन से नियम लागू किए हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ टारगेट पूरे करने हैं और आप उसका सिर्फ एक जरिया है। तो यहां पर हम आपको राय ये देंगे कि अगर आपके इस तरीके के चलान हुए हैं, हो रहे हैं, तो बिना वजह चलान भरने का फायदा नहीं है। आप कोर्ट के अंदर इन चलानों को चैलेंज करें और जो ऑफिसर ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें। जो बिना वजह हरासमेंट कर रहे हैं, गाड़ियां पकड़ रहे हैं, उनसे कॉम्पनसेशन वसूलना चाहिए। ऐसे MVIs को डिपार्टमेंट में रहने का हक ही नहीं होना चाहिए जिसको एडवाइजरी के बारे में नहीं पता। जो बच्चे बच्चे को पता है वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को ही नहीं पता है, उनको जॉब करने का क्या फायदा है? ये सवाल भी उठाने चाहिए, इनको चैलेंज करना चाहिए कोर्ट के अंदर। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।